शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के नाम से मैं आप सभी को BSU एक्सपर्ट ट्रेनिंग के लेक्चर नंबर 11 में स्वागत करता हूँ। खुश आमदीद कहता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ उस अल्लाह ताला के जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाई कि मैं आप सभी को BSU एक्सपर्ट ट्रेनिंग दे सकूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जो 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है, जो कि मेरा इस चैनल टेक्निकल प्लेस यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तब आपको SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हो। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, क्योंकि जब भी मैं कोई भी इस तरह की वीडियो डालूंगा, अनबन रिलेटेड, ब्लॉग रिलेटेड, SEO रिलेटेड, CPA रिलेटेड, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड, तो वो जल्द से जल्द आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक बात और बोलना चाहूंगा कि मेरे ग्रुप के अंदर BSU एक्सपर्ट, इस ग्रुप के अंदर आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। जो भी हेल्प वगैरह करना होता है, जो भी चीज वगैरह, टूल्स वगैरह, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज जो भी आप सभी को चाहिए शेयर करना होता है, तो मैं इसी ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको वो हेल्प हो सकती है काफी। ठीक है, तो ज्यादा देर ना कर, चलो आज के लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर की हम बात करेंगे एडसेंस के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्कस अबाउट एडसेंस। ठीक है, तो हमारे जो मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, वो होगा एडसेंस। ठीक है, तो मोनेटाइजेशन जो प्लेटफॉर्म होगा, चल, ठीक है, मोनेटाइजेशन जो प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, तो मोनेटाइजेशन जो प्लेटफॉर्म होगा वो होगा गूगल, गूगल एडसेंस। ठीक है, इससे क्या करेंगे कि हमारी जो वेबसाइट हम रेडी करेंगे, ठीक है, उससे हम मोनेटाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो गूगल एडसेंस पे अप्लाई करने से पहले आपको जो जो चीज देखना होगा, ठीक है, वो है कि आपकी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, जो कि मान लीजिए मेरा ये वेबसाइट है, ठीक है, जो टेक्निकल प्लेस का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, technicalplace.com, तो इसके अंदर इसको ओपन होने देता हूँ तब तक मैं। तो ये अपन ओपन हो चुका है। ठीक है, अब जो बात है कि इसके अंदर होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, जो कि मस्ट प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज मैंने बनाया हुआ है, और वो कि जो कि मैंने नीचे फुटर में डाला हुआ है, फुटर थीम में। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट अस का डिस्क्लेमर का डाला हुआ है, एक्चुअली प्राइवेसी पॉलिसी का मैंने डालना यहाँ पे भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसको क्रिएट करके रखा हुआ है, तो मैं अभी उसको क्या करता हूँ, मैं उसको यहाँ पे फुटर में डाल देता हूँ। तो उसको मैंने क्रिएट करके तो रखा था, लेकिन डालना मेनू के अंदर भूल गया था, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, मैनेज के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे फुटर मेनू को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, ठीक है, तो एक्चुअली प्राइवेसी पॉलिसी का जो बेसिक है, ठीक है, मैं भी ऑल्स में देख लेता हूँ कि हाँ, ये रहा प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको मैं ऐड कर लूंगा। अरे, प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज भी मेरे सर पे ऐड हो गई, तो मैंने इसको बनाया हुआ था, लेकिन मैंने इसके अंदर डालना भूल गया था, तो कोई बात नहीं, अभी मैं डाल चुका हूँ यहाँ पे। तो आप सवाल ये आ जाती है कि जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज हो, या फिर जो डिस्क्लेमर वाला पेज हो, जो कि हमारी एक्सेस की वेबसाइट के लिए जरूरी है, तो इसको हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो ये भी आगे मैं समझाऊंगा कि आपको इसको कैसे बनाना है। पहले मैं दिखा देता हूँ कि वो प्राइवेसी पॉलिसी पेज कहाँ पे आ चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पेज आ चुका है जिसका नाम है प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी आ चुका है। तो कहने की मुराद ये था कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर पेज आपकी वेबसाइट पे होना ही होना है। इसके अलावा गूगल एडसेंस आपकी शायद ही, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, ठीक है, तभी वो आपको अप्रूवल देगा।
तक मैंने जितने भी अभी तक की केस स्टडी है, किसी भी वेबसाइट पे अगर प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर अबाउट आस कॉन्टैक्ट आस ठीक है, साइट मैप तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर पेज अबाउट आस पेज और कॉन्टैक्ट आस पेज, इन फोर पेज के अलग फोर पेज अगर ना हो तो किसी भी वेबसाइट को अप्रूवल नहीं मिलता है। ये मेरा केस स्टडी है, मैंने जहाँ तक कि मैंने इसको देखा हुआ है। ठीक है, अब जो बात आ जाती है कि हाउ टू मेक प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ठीक है, तो इसके लिए एक आप चाहो तो इसके लिए दो ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मजीद इसको टाइप करते जाऊँ। ठीक है, तो हाउ टू मेक प्राइवेसी पॉलिसी पे, तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है राइट राइटर, ठीक है, आप राइटर से लिखवा सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन जो है यूज टूल्स। ठीक है, तो इसके लिए दो ऑप्शन है, एक तो आप राइटर से राइट करवा सकते हो या फिर टूल्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बेहतर जो होता है कि अगर कोई राइटर इसको लिख के दे तो सबसे बेहतर रहते हैं, लेकिन इसके अलावा एक टूल्स भी है जो कि मैं आपसे अभी शेयर करूंगा, और वो टूल्स बिल्कुल फ्री टूल्स है। ठीक है, तो उससे क्या है कि आप इजिली प्राइवेसी पॉलिसी जेनरेट कर सकते हो। तो मैं अभी इसको सर्च कर लेता हूँ। एक टूल से ठीक है जो कि फ्री में प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करते हैं। तो इससे पहले मैं जो टूल्स यूज करता था कुछ और टूल्स था जो कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ फिलहाल तो। ठीक है, लेकिन अभी जो टूल्स मैं यूज कर रहा हूँ उसको मैं ये भी टूल्स बुरा नहीं है। ठीक है, इसको भी आप यूज कर सकते हो सके तो मैं उस टूल्स को शेयर कर दूंगा आप सभी से, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा मजीद आसानी रहती है। ठीक है, उसके अंदर आप प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर भी कर सकते हो, लेकिन इसको मैंने अभी तक यूज नहीं किया। चलिए इस लेक्चर के अंदर मैं इसको यूज करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आना है, आपको वेबसाइट सिलेक्ट कर लेना है, अगर किसी का मोबाइल ऐप है तो मोबाइल ऐप सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी तो वेबसाइट के लिए तो वेबसाइट सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे बोल रहा है कि रजिस्टर एंट्री जो होगा इंडिविजुअल, ठीक है, और यहाँ पे नीचे होगा कि हाउ डू यू वर्क फॉर्म, तो आप कहाँ से काम कर रहे हो, तो मैं इंडिया सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ से आपकी जो कंट्री आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो स्टेट बोल रहा है तो मैं यहाँ पे मेरे स्टेट दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे स्टेट भी दे दिया। ठीक है, और इसके अलावा आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन कस्टमर नेक्स्ट स्टेप एड योर वेबसाइट और ऐप इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे तो मजीद ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे अब आपको करना होगा कि कलेक्ट फ्रॉम यूजर, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने यूजर से क्या क्या कलेक्ट कर सकते हो, तो ईमेल एड्रेस फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्टेट वगैरह अनादर सबको कर दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ आज प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर होना चाहिए। गूगल्स की जो नया रूल्स एंड अपडेट है, ठीक है, न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक, ठीक है, अगर आप सब कुछ ले रहे हो, सब कुछ अगर आप अपने यूजर से ले रहे हो तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर उसको तो ऐड करना पड़ेगा कि आप इन सब उससे मांग रहे हो और इसके सेफ्टी आप ले रहे हो। ठीक है, और इसके अलावा तो आप वो ये बोल रहे कि आप अपने यूजर को ईमेल कर सकते हो, तो आपको यूज करना है क्योंकि ईमेल मार्केटिंग भी जरूरी होती है। और बोल रहे कि यहाँ पे जो कि तो आप यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने यूजर से लोकेशन पूछोगे तो मैं यहाँ पे नो करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि एनालाइजिंग टूल्स सच एज गूगल, तो ये बोल रहा है कि आप गूगल एनालिसिस को यूज कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे यस करना है क्योंकि हम गूगल एनालिसिस के यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि क्या यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं गूगल एनालिस्टिक। ठीक है, आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बोल रहा है
बोल रहा है कि आपकी यूजर जो है कॉन्टेक्ट करेगा, क्वेश्चन करेगा प्राइवेसी पॉलिसी किस तरीके से, तो आप यहाँ पे बाय ईमेल कर सकते हो, और यहाँ पे आप अपना ईमेल दे दो। ठीक है, यहाँ पे मैं मेरा ईमेल जो यहाँ पे दे रहा हूँ, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे बोल रहा है कि तो यहाँ पे आप प्राइवेसी पॉलिसी जो कि फ्री में है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है डू यू वांट टू क्रिएट ए पर्सनल प्राइवेसी पॉलिसी, नो आई विल क्रिएट ए फ्री फ्री प्राइवेसी पॉलिसी। अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इंग्लिश पे चूज करना है, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है, जो कि प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्रिएट प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करना है, थोड़ा वेट करना है, और आपकी ये जो प्राइवेसी पॉलिसी जो है जनरेट हो चुका है। ठीक है, ये रहा आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये एक एचटीएमएल कोड के अंदर है। अब आपको इसको किस तरीके से ऐड करना है, आपको इसको ऐड करने के लिए अपनी वेबसाइट के अंदर जाना है। ठीक है, और जाने के बाद आप यहाँ पे पेजेस के अंदर जाना है, ऐड न्यू पेज करना है। यहाँ पे ठीक यहाँ पे जो पेज का नाम प्राइवेसी पॉलिसी डालना है, और यहाँ पे आना है, और यहाँ पे विजुअल सिलेक्ट होगा, आपको टेक्स्ट पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना वो कोड, और इसके बाद आप जब विजुअल पे जाओ तो आप देख सकते हो कि और हो चुका है। ठीक है, अब आपको इसको पब्लिश कर देना है। तो पब्लिश करते ही आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी वाली पेज है वो क्रिएट हो चुका है, जेनरेट हो चुका है। ठीक है, आप मैं इसको देख लेता कि ये किस तरह से लुक दे रहा है। तो अब ये प्राइवेसी पॉलिसी की जो पेज है ये हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्रिएट कर लिए, तो आप इस तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हो, और जो है आप यहाँ पे डिस्क्लेमर भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्लेमर, तो अभी यहाँ पे डिस्क्लेमर भी जनरेट कर सकते हो, वो किस तरह से करना है। मैं यहाँ पे क्रिएट ए डिस्क्लेमर वेबसाइट जो है, मैं यहाँ पे इसको भी नोट डाउन कर रहा हूँ। तो इसके पहले जो है मैं कुछ और टूल्स यूज करता था, ठीक है, और वेबसाइट, ठीक है, और दूसरा वेबसाइट यूज करते थे, तो वो थोड़ा ओल्ड था। तो अभी प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ नया रूल्स आई है, नया चेंजेस आ रही है, तो आप जो यहाँ पे जो यूज करना है आप सभी को ये करना है। पहले यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम जो देना है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नेम, और यहाँ पे वेबसाइट नेम देना है, तो मैं फिलहाल जो है इसको दे रहा हूँ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को, तो यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी वेबसाइट का नेम देना है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट का नेम भी दे दूंगा, और यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल बोल रहा है, तो मैंने वेबसाइट की यूआरएल भी दे दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लिक हो गई, यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस, इंडिया आपकी कंट्री सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, ठीक है, आप ईमेल एड्रेस देना है, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दी। अब जेनरेट माई डिस्क्लेमर पे क्लिक करना है। ठीक है, आप अब ये जो मतलब आपकी डिस्क्लेमर वाली पेज है ये यहाँ पे हो चुका है। अब आपको यहाँ से पूरा इसको कॉपी कर लेना है। अब अपने वेबसाइट पे जाना है, ऐड न्यू पेज के अंदर, पेज के अंदर आपको ऐड न्यू पेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जाना है, डिस्क्लेमर पे, डिस्क्लेमर पेज का नेम जो है डिस्क्लेमर रखना है, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस बार जो है हमें कोड नहीं मिली है, यहाँ पे आपको जो सिंपल टेक्स्ट मिला है, कोड नहीं मिला है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट पे सिलेक्ट नहीं करना है, हमें बस विजुअल के अंदर इसको डाल देना है। अब ये हो चुका है, अब मैं इसको पब्लिश कर दूंगा।
तो ये पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ से हम स्क्रिप्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ चुका है डिस्क्लेमर फॉर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी वेबसाइट भी है। तो ये नया प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर वाला जो अपडेट आई है, तो इसके मुताबिक हमने क्रिएट कर लिए। तो प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर वाला बात खत्म हो चुका है। अब जो बात आती है, ठीक है, वो अबाउट अस पेज। तो अबाउट अस के अंदर आप खुद से लिख सकते हो कि आपकी वेबसाइट जो किस मुताबिक थे, ठीक है। अबाउट अस लिखना उतना मुश्किल नहीं है, आप राइटर से भी लिख सकते हो, आप खुद भी लिख सकते हो। और तकरीबन 100 वाट की या 200 वाट की जो भी है, आप अपने वेबसाइट के बारे में बोलोगे कि वहाँ पे क्या क्या पोस्ट करने वाले हो, कहाँ से लेने वाले हो, किस तरीके से पोस्ट होगा, ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज यूज किया जाएगा, ठीक है। और कंटेंट तो बहुत ही इजी है। आप जो प्लगइन के अंदर एड न्यू करके, ठीक है, एड न्यू करके जो कॉन्टेक्ट पेज 7, ठीक है, इसको टाइप करना है। और ये रहा कॉन्टेक्ट पेज 7 मल्टीस्टेप फॉर्म, ठीक है। तो आपको इसको सिंपली यूज कर लेना है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, पॉपुलर पे जाता हूँ, ठीक है। शायद दूसरा वाला प्लगइन आ गया है, तो यहाँ पे ये जो पहले वाला है, ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि बाय ये टाकू टाकायो मुकी मियोशी, ठीक है, टाकायो मुकी मियोशी है, ठीक है। तो इसने इस प्लगइन को क्रिएट किया है, अब इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके एक्टिव कर लेना है। अब आपको करना क्या होगा कि जो यहाँ पे उसको एक्टिव करने के बाद आपको यहाँ पे एक साइड बार पे ऑप्शन आ जाएगा कांटेक्ट करके। तो यहाँ पे आप ऐड न्यू करके न्यू कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐड न्यू करता हूँ। तो यहाँ पे तो माफी चाहता हूँ, नेट का कुछ इश्यू आ गया है। तो यहाँ पे आप जो यहाँ पे ऊपर जो कॉन्टेक्ट एस के नाम देना है, तो मैं दे रहा हूँ कॉन्टेक्ट फॉर्म। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि योर नेम आएगा, ठीक है, और यहाँ पे नेम डालने के लिए आएगा, योर ईमेल आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्या किस लिए कांटेक्ट करना चाहते हो वो लिखना होगा, ठीक है, मतलब जो डिस्कस होगा सब्जेक्ट वगैरह, और यहाँ पे जो हेडिंग सब्जेक्ट होगा, और उसका जो मैसेज होगा, मतलब क्या एक डिस्क्रिप्शन वाला कि क्या इशू है, ठीक है, वो करके, और यहाँ पे सबमिट बटन होगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे मजीद और भी चीज ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है कैप्चा ऐड कर सकते हो, फाइल का ऑप्शन ऐड कर सकते हो कि कोई फाइल को अपलोड करेगा, ठीक है, या फिर रेडियो बटन ऐड कर सकते हो, कि या फिर आप ऑप्शन डाल सकते हो कि कांटेक्ट क्यों करना चाहती है, कांटेक्ट करना चाहती है फॉर एडवाइस देने के लिए, या फिर कांटेक्ट कुछ मिस्टेक हुआ इसलिए। तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन रख के वहाँ पे जो रेडियो बटन वाला टिक करने वाला वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ये तो एडवांस वाली बात हो जाती है, लेकिन हमें जो चाहिए वो सिंपली जो है वो, ठीक है, अब सेव में क्लिक कर देता हूँ। अब क्या करना होगा, मैं बोल रहा हूँ सेव होने दो इसके पहले। जब ये सेव हो जाएगी, ठीक है, आपको यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म की जो यहाँ पे कोड मिल रहा है, ठीक है, आप इस कोड को आपको कॉपी कर लेना, तो कॉपी कर लेना इस कोड को, ठीक है। अब आपको एक पेज के अंदर जाना है, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट आस, ठीक है, कॉन्टैक्ट आस लिखना है। और यहाँ पे आपको वहां से कोड मिला है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जाना है, और यहाँ पे कोड जो था वो पेस्ट कर देना, विजुअल पे आ रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पब्लिश कर देना है। जब ये पब्लिश कर दोगे, अब आपको यहाँ पे व्यू पेज के अंदर क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हो कि कॉन्टेक्ट अस क्या आया था। वहां पे नेम जो था, नेम है, ईमेल, सब्जेक्ट जो मैसेज, और यहाँ पे सेंड बटन, ठीक है। तो सब कुछ ठीक है। तो एक कॉन्टेक्ट अस पेज भी हमारी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। जो जो हमें चाहिए था बेसिक चीज वो हो चुका है।
आप इजी टू इंटरफेस अ वेबसाइट, तो वेबसाइट को जो होना चाहिए वो इजी इंटरफेस, मतलब जो यूजर आए ठीक है, मतलब यूजर आप एक बात जो क्लियर करना चाहते हो कि यूजर यहाँ पे आ रहा है ठीक है, अब यूजर यहाँ पे आने के बाद आपकी जो पोस्ट वगैरह देख रहा है ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसको एक नजर आ रहा है ठीक है ठीक है, उसको पढ़ने में भी आसानी हो रहा है ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो लिखावट है वो नहीं पढ़ सकते या फिर कुछ इशू वगैरह हो रहा है ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इससे क्या होता है वो बाउंस रेट ज्यादा हो जाती है, तब आपकी वेबसाइट पे एक्सेस अप्रूवल मिलना काफी मुश्किलियत हो जाती है ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा इजी टू इंटरफेस मतलब आप समझ सकते हो कि वेबसाइट को जो बिल्कुल सिंपल क्लियर होना चाहिए ठीक है, जो इस तरीके से यहाँ पे जो दिख रहा है ठीक है, और मेनूज के अंदर भी जो मैंने बोला है प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस साइट मैप होना चाहिए ठीक है, और इसके अंदर साइट साइट मैप पेज, तो साइट मैप पेज क्या होता है कि आप एक पेज कॉन्टैक्ट अस की आप साइट मैप लिख के एक पेज को क्रिएट कर सकते हो, और ये आपको जो साइट मैप के लिए जो यूज कर रहे हो ठीक है, मैं तो यूज कर रहा हूँ एक्सएमएल साइट मैप ठीक है, तो आपको सेटिंग्स के अंदर मिल जाएगा ऑप्शन उसका, पहले आपको वो प्लगइन जो इंस्टॉल करना पड़ता है ठीक है, जो कि मैंने बिल्कुल दिखाया हुआ इससे पहले वाले वीडियोस में, तो प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे एक्सएमएल साइट मैप ऑप्शन आ जाता है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं एक दफा ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो साइट मैप की जो यूआरएल है वो ये है ठीक है, अब ये आपके साइट मैप की यूआरएल, तो आप इसको कॉपी कर लेना है आपको ठीक है, आप न्यू पेज पे जाना है, न्यू पेज पे नहीं, आपको यहाँ पे आप पेज नहीं क्रिएट करना है, आपको बस मेनू के अंदर जाना है, एप्रेस के अंदर मेनू मिलेगा आपको मेनू पे जाना है ठीक है, मेनू के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है कि कस्टम लिंक, तो कस्टम लिंक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको यूआरएल जो जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है, और यहाँ पे टाइप देना है साइट मैप, अब इसको ऐड टू मेनू कर लेना है ठीक है, तो पहले से मैंने एक साइट मैप बनाया हुआ है, दूसरा भी आ चुका है ठीक है, जो कि कस्टम लिंक है, तो पहले वाला पेज था दूसरा वाला कस्टम लिंक है, तो मैं पेज क्लिक कर जो कस्टम लिंक हो गया आप सेव कर दूंगा, तो अब जो साइट मैप था वो ये रहा, तो हमने यहाँ पे साइट मैप कर दिया ठीक है, आप इसको मैं ओपन करूंगा, तो ये पेज वाला था ठीक है, तो हमने जो मेन मेनू के अंदर वो कस्टम लिंक से तो हमारा साइट मैप भी यहाँ पे जेनरेट हो चुका है ठीक है, यहाँ पे ठीक है, जो साइट मैप है हमारा जनरेट साइट मैप यहाँ पे हो चुका है, साइट मतलब साइट मैप वाली पेज भी हमारी जो है कंप्लीट हो चुका है, अब जब बात आ जाती है कि कॉपी स्केप पास्ट आर्टिकल, तो यहाँ पे एक चीज जो है कि जब हम आर्टिकल लिखेंगे ठीक है, उसको अब क्या करना है कि वो आर्टिकल हमारी कॉपी पास्ट होना चाहिए ठीक है, कॉपी स्केप पास्ट आर्टिकल होना चाहिए, तभी हमारी जो गूगल एडसेंस पे अप्रूवल मिल सकता है ठीक है, तो कॉपी स्केप पास्ट होना चाहिए, तो कॉपी स्केप एक प्रीमियम प्रीमियम टूल से ठीक है, जो आर्टिकल्स की प्लैगियरिज्म चेक करती है, तो मैं यहाँ पे कॉपी स्केप भी आपसे शेयर कर रहा हूँ ठीक है, तो एक प्रीमियम टूल से ठीक है, जो कि आर्टिकल की प्लैगियरिज्म चेक करती है, तो प्लैगियरिज्म यहाँ पे क्या है कि प्लैगियरिज्म वो चीज है कि आप यहाँ पे जो आर्टिकल है मतलब मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ठीक है,
मैं यहाँ पे जो मेरा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, यहाँ से तो सारी की सारी जो आर्टिकल्स वगैरह ऑटोमेटिकली पोस्ट हो रहा है वो तो दूसरी वेबसाइट से आ रही है, ठीक है, तो मैं पोस्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक आर्टिकल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, एक आर्टिकल है, इसको मैं व्यू करके ओपन कर लेता हूँ और आपके सामने मैं अभी इसके जो एग्जाम्पल लाइव दे दूंगा कि कॉपी स्क्रिप्ट किस तरह से। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं पूरा इस आर्टिकल, मान लीजिए कि ये आर्टिकल है जिसको मैंने राइटर से लिखवाई हुई, ठीक है, तो मैं इसका इस आर्टिकल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं इसको नोटपैड पे डालूंगा, अब आपको क्या करना है कि कॉपी स्क्रिप्ट पे जाना है, आपको इसका प्रीमियम खरीदना होगा, ठीक है, $10 से स्टार्ट होती है इसकी प्रीमियम, ठीक है, और आपको यहाँ पर इसके अंदर आपको वो आर्टिकल पेस्ट कर देना है, ठीक है, जो आर्टिकल आपको राइटर देगी या फिर आप खुद लिखोगे, ठीक है, वो आर्टिकल यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद प्रीमियम साइट पर क्लिक करना है, प्रीमियम साइट पर क्लिक करने के बाद आपको ये मजीद यहाँ पे डिटेल्स देगी कि ये आर्टिकल जो है वो कौन कौन सी वेबसाइट पे मौजूद है। तो यहाँ पे सिंपल मुझे बोल रहा है कि इस आर्टिकल की जो टू डेज फाउंड, मतलब इस आर्टिकल की टू डेज फाउंड हो चुकी है, मतलब ये आर्टिकल दो दफा गूगल पे दो वेबसाइट से मिल रहा है, तो वो वेबसाइट की यहाँ पे यूआरएल भी दे रहा है और क्या क्या एग्जैक्ट मेथड है वो भी यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो ये मेरा एल्गोरिथम आर्टिकल है, तो इस तरह की आर्टिकल के लिए हमें गूगल एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिलेगा, यहाँ पे नो रिजल्ट फाउंड होना चाहिए, मतलब जो आर्टिकल हम लिखे वो किसी और वेबसाइट में मौजूद नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। तो जो भी आर्टिकल आप लिखोगी या फिर राइटर से लिखोगी उसका आपको कॉपी स्क्रिप्ट पे चेक कर लेना है, अगर नो रिजल्ट फाउंड है तभी पब्लिश करना है, अदरवाइज आपको राइटर से बोल के उसको रिप्लेस करवाना है, और जो राइटर होता है वो कॉपी स्क्रिप्ट को भी वो चेक करके आपको भेजता है, ठीक है, अगर वो राइटर अच्छा होगा तो, अगर उसको जानकारी है तो, ठीक है, तो ये कॉपी स्क्रिप्ट पास वाला होना चाहिए। तो इसको आप प्रीमियम इसको खरीदना पड़ता है, ठीक है, इसका कुछ चार्जेस वगैरह लगता है, ठीक है, तो पहले तब कॉपी स्क्रिप्ट जो मैंने यहाँ पे यूआरएल पे डाल दिया है आप उसको आप देख सकते हो, और जो आर्टिकल होना चाहिए वो मिनिमम 30 आर्टिकल पोस्ट होना चाहिए गूगल एडसेंस पे अप्रूवल लेने के लिए, और उसके बाद मैंने बोल दिया कि आप, ठीक है, तो यहाँ पे एडसेंस की जो भी डिटेल्स वगैरह देना था मुझे बोलना था, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे सब कुछ बोल दिया। और एक चीज कि जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आप आपकी वेबसाइट कम से कम 2-3 मंथ पुरानी होनी चाहिए, ठीक है, 2 मंथ पुरानी होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो बात भी यहाँ पे मजीद बोलते चलो, ठीक है, मस्ट होल्ड वेबसाइट एटलीस्ट लास्ट 3 मंथ, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट जो है 3 मंथ, कम से कम 3 मंथ ओल्ड होना चाहिए, तभी अगर ये सब कुछ सही रहा था तब आपकी वेबसाइट को अप्रूवल मिलेगा। और एक चीज की आपकी वेबसाइट पे मास्ट, आपकी वेबसाइट में कुछ विजिटर भी होना चाहिए तभी जाके आपकी वेबसाइट को अप्रूवल मिलेगा गूगल एडसेंस के लिए। और गूगल एडसेंस पे अप्रूवल के लिए कैसे डालता है बहुत ही इजी है, ठीक है, उसको मुझे वो दिखाने की जरूरत नहीं है और मैं अभी फिलहाल तो दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो अगर आपको इश्यू आती है बाद में कि कैसे अप्रूवल के लिए डाला जाए तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज की जो वीडियो था बस उसके अंदर मैं इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं सोशल मीडिया के बारे में मजीद बोलूंगा, ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इस तरह से, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।